नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूं कि किसी का भी कॉल आने पर अपने मोबाइल में ये जो प्ले साइड होती है बैक साइड में या फिर फ्रंट साइड में, उसको कैसे बदलें। तो अगर आपको भी दोस्तों अपने मोबाइल में ये सेटिंग करनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मैं इसमें आपको एकदम सही तरीका बताने लगा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल बनाए तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने मोबाइल पर कॉल आने पर ये फ्लैश लाइट अगर हमारे को जलानी है तो इसके लिए दोस्तों हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नेट ऑन करना है और फिर आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर जैसे आप दोस्तों ओपन करेंगे तो आपके सामने इधर जो है सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और प्लेस ऑन कॉल ये लिखकर सर्च कर देना है। जैसे आप दोस्तों लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, तो आपको दोस्तों प्लेस ब्लिंक ऑन कॉल ये एक ऑप्शन नजर है, ये एप्लीकेशन नजर है, तो आपको दोस्तों इसी पर क्लिक करना है। और इसका रेटिंग दोस्तों 4.7 है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है, इधर हमारे को सबसे ऊपर एक ऑफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप दोस्तों इसको ऑन करेंगे तो आपको जो है आपसे एक बार तो परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है और ये लाइट थोड़े से जलेगा, लाइट अभी जला आपने देखा था। और उसके बाद में दोस्तों इधर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनकमिंग कॉल पर हम इस लाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन एसएमएस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बंद किया हुआ है, आप दे सकते हैं। और इनकमिंग कॉल के लिए अभी चालू, मतलब कि कॉल आएगा किसी का तो लाइट जलेगा और एसएमएस आएगा तो नहीं जलेगा क्योंकि ये बंद है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको चालू भी कर सकते हैं। और इधर से आप जो इसकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं, फ्लैशिंग स्पीड जो झपकता है ना वो। और नीचे हमारे एक और ऑप्शन मिलता है इधर मैसेज और नोटिफिकेशन के लिए, तो इसको भी आप जो सेट कर सकते हैं 3 टाइम 2 टाइम कितनी बार ये झपकना चाहिए लाइट। और नीचे हमारे को दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है कि कौन से मोड में ये जो फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए, तो रिंग मोड में भी, वाइब्रेट या म्यूट में भी, जो तीनों में भी चालू है, तो आप जो इसको भी बंद या चालू कर सकते हैं। और इसके नीचे हमारे को दोस्तों और भी ऑप्शन मिलते हैं टाइमर का भी, फेक कॉल का। तो अब मैं जो है फेक कॉल पर क्लिक कर देता हूँ और इधर से आप जो कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम लिख कर दिया और ये भी मैंने नाम इधर भी लिख दिया। और टाइमर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अभी सिर्फ 10 सेकंड का, क्योंकि जल्दी हमारे को वजन है और लाइट भी जलनी चाहिए। तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया और 10 सेकंड में हमारे पास कॉल आ जाएगा और उस टाइम आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि इसकी लाइट है जो जलती है या नहीं। ये एक फेक कॉल है, ये देख लीजिए कॉल आ चुका है और लाइट जल रहे हैं, ये देखो आप देख लीजिए। ये मैंने कट कर दिया कॉल। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल पर कॉल आने पर फ्लैश लाइट को जला सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।